नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों के लिए। आज मैं एक ऐसा बेहतरीन प्राकृतिक नेचुरल होम रेमेडी लेकर के आया हूं जिसके इस्तेमाल से आप घनी दाढ़ी मूछ उगा पाएंगे। दोस्तों, अक्सर 18-19 साल तक लोगों के दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, आने लगते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जिनकी उम्र हो जाने के बाद भी दाढ़ी मूछ घनी नहीं आती या फिर बहुत कम आती है। आज जो मैं रेमेडी बताऊंगा वो आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी। और जिन लोगों की दाढ़ी आती है मगर पैची बर्ड्स आती है, मतलब आती तो है मगर घनी नहीं आती, उनके लिए भी यह फायदेमंद है। और जिन लोगों की दाढ़ी मूछ बिल्कुल भी कम, बहुत ही कम आती है, उनके लिए भी यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। बहुत बेहतरीन उपाय है, बहुत जबरदस्त तरीका है ये, और ये आपको फायदा करेगा ही। वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए अंतिम तक जरूर देखिएगा और उससे भी जरूरी इसे इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, इस नुस्खे में सबसे पहली जो हम चीज लेंगे दोस्तों वो हमें चाहिए विटामिन ई। तो यहां पर दोस्तों आप या तो विटामिन ई का एक कैप्सूल भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध नारियल का तेल भी ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक चीज लेना है, हमें विटामिन ई चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं आप लोगों को। तो यहां पर मैंने कोकोनट ऑयल इतनी मात्रा ले ली, ठीक है। कोकोनट ऑयल के अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों, मैं ये जो तरीका आप लोगों को बता रहा हूं बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूं और बहुत ही कम पैसों में, कम खर्च में आप चाहते हैं कि आपकी दाढ़ी मूछ आए तो उसके लिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी और फायदेमंद है। अब दोस्तों, यहां पर जो हमें दूसरी चीज इस्तेमाल करनी है वो आप देख रहे हैं, वो दोस्तों वो आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएगी। ये है दोस्तों, इसे आप देखते हैं, देख रहे हैं, ये है हेयर ग्रोथ के लिए, ये भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये है दोस्तों मेथी दाना, ठीक है। तो आप मेथी दाना लीजिएगा और इसे आप लोग बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा या फिर इसका पिसा हुआ पाउडर मार्केट में मिलता है। तो यहां पर मैं मेथी दाने का पिसा हुआ पाउडर जो है वो इतनी मात्रा ले रहा हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस नुस्खे को, यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो पहले हम नारियल तेल को और मेथी दाने को हम आपस में इस तरीके से मिक्स कर दे रहे हैं। अब हमने मिक्स कर लिया। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। और जो लड़के बहुत परेशान हैं, बहुत कुछ ट्राई किया है और बाजार में तो बहुत महंगे महंगे बियर्ड ऑयल मिलते हैं, उनसे भी फायदा आपको नहीं हुआ, तो यह नुस्खा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको जो अगली चीज लेनी है वो लेनी है लगभग इतनी मात्रा आपको लेनी है एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हम एलोवेरा जेल को ले लेते हैं और इसे यहां पर इस तरीके से जो है वो मिक्स करते हैं। दोस्तों, घनी दाढ़ी मूछ मर्दों के, लड़कों के चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत और मर्दाना बनाती है। ये हकीकत है, ये सच है जो किसी से नहीं छिपी। और जो लोग घनी दाढ़ी मूछ उगाना चाहते हैं उनके लिए यह नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं। अब यहां पर हमें जो अगली चीज लेनी है, सारी चीजों को आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों ताकि आप लोगों को पता रहे मैंने क्या क्या चीजें मिलाई है, ठीक है। यहां पर हम जो अगली चीज मिलाएंगे वो हम मिलाएंगे दोस्तों बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा, आधे चम्मच से भी कम, ठीक है। आधे चम्मच से भी कम आपको मिलानी है, यह है ग्लिसरीन, ठीक है। इतना ग्लिसरीन आप ले लें, ठीक है। इसके बाद इन सबको हम आपस में इस तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे।
और आजकल के वक्त में एक ट्रेंड भी बन चुका है घनी बियर्ड रखने का, लंबी घनी दाढ़ी मूछ रखने का एक फैशन भी है और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। यहां पर दोस्तों जो आखिरी चीज आपको लेनी है वो लगभग इतनी मात्रा लेनी है और आप लोग इसे पीस लीजिएगा और इतनी ही मात्रा आपको लेनी है और ये है कलौंजी सीड्स। ठीक है, कलौंजी सीड्स इसे पीस करके इस तरीके से आप ले लीजिएगा और इन सब को आपस में जो है वो इस तरीके से मिक्स करके अपने दाढ़ी मूछों पर आप लोग इसे रात में, दाढ़ी मूछों वाले इलाके पर रात में इसे लगाएं, हल्के हल्के हाथों से मालिश करें पहले, फिर इसे रात भर लगाकर रखें, दिन में धो लें। हर दिन इसका प्रयोग करें, आप पाएंगे कि आपकी जो दाढ़ी मूछों के जो इलाके हैं उनको यह बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन और पौष्टिकता देगा और घनी दाढ़ी मूछ उगाने में यह आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा।